नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीक और मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं झांसी की ताजा खबर पर। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इस मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश सलीम मध्य प्रदेश के बीना का रहने वाला है, जबकि दूसरा बदमाश फिरोज भोपाल का है। भागे हुए बदमाश फिरोज पर 25 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। दरअसल पुलिस को आरोपियों के यहाँ होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच सीपरी थाना क्षेत्र के रक्षा तिराहे पर पुलिस की चेकिंग के दौरान तेज गति से आ रही बाइक को रोका गया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग झोंक दी। पुलिस ने अपने बचाव में बदमाशों की घेराबंदी करते हुए फायरिंग की, जिसमें पुलिस की गोली लगने से सलीम नाम का बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा व 4 कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थानरा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।